अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम करता हूं आपको न्यू वीडियो में। और वर्ल्ड कप स्टार्ट हो चुका है, वर्ल्ड कप में दो मैचेस हो चुके हैं और कल का मैच जो है वो कल वर्ल्ड कप का अच्छा मैच होने वाला है। पहला अच्छा मैच जो श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका, कल वैसे दो मैच है, ओमान का, नामीबिया का भी है, लेकिन 7:30 बजे शुरू होगा साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका। बहुत ही ज़बरदस्त पहला मैच होने वाला है। गाइस बात करते हैं पिछले जो दो मैच हो चुके हैं। सबसे पहला मैच हुआ कनाडा वर्सेस यूएसए का और वो यूएसए मज़े से जीत गया, मज़े से ही जीता। कनाडा ने बहुत ज़बरदस्त 194 रन बनाए, मगर यूएसए ने, एरन जोन्स ने बहुत ज़बरदस्त चेस किया, 10 छक्के मारे, बेहतरीन इनिंग खेली और यूएसए जीत गया। और यूएसए जिस तरह यूएसए ने 190 प्लस चेस किया है तो मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है। और इसके अलावा कनाडा ने भी अच्छा हाथ खेला, कनाडा मगर हार गए, यूएसए जीत गए, यूएसए 1+1 हो गई है। और दूसरा मैच था वेस्ट इंडीज़ का और पीएनजी का, पापुआ निगोई का पीएनजी जो टीम है वो, और वेस्ट इंडीज़ ये मैच जीत गया। जिस तरह कन्विंसिंगली जीतना चाहिए था उस तरह नहीं जीता। और एक ये सिग्नल भी मिल गया है कि भाई कोई टीम छोटी नहीं है, कोई टीम बड़ी नहीं है। तो वेस्ट इंडीज़ ने 137-8 पे ऑल आउट कर दिया, 20 ओवर में। लेकिन जो बैटिंग, जो कन्विंसिंगली जिस तरह जीतना चाहिए था उस तरह वेस्ट इंडीज़ नहीं जीता। और एक ओवर पहले जीता है मगर 5 आउट थे, रोस्टन चेस ने अच्छी इनिंग खेली, पूरन ने अच्छी इनिंग खेली, चार्ल्स आउट हो गया जल्दी और रसल ने और चेस ने फिनिश किया मैच, पॉवेल रदरफोर्ड कोई खास नहीं चला। और खैर दो मैचेस हो गए और दोनों मैचेस में जो है वो, अब मसला मैं आपको बताऊंगा। इस पाकिस्तान के ग्रुप में इंडिया है, पाकिस्तान है, दो टीमें हो गई, नंबर आयरलैंड है 3, यूएसए 4, कनाडा है 5। अब देखना ये है कि पाकिस्तान, अगर एक मैं मार्जिन देता चलूं, पाकिस्तान अगर इंडिया से हारता है तो पाकिस्तान को बाकी 3 मैच जीतने चाहिए, ऐसा ही है ना, 3 में से 2 जीतेगा तो बाहर हो जाएगा। साथ हमारा अभी हमने सीरीज खेली है आयरलैंड, फॉर्म में भी आयरलैंड से हम हारे हुए भी हैं, तो मैच इजी नहीं होगा। यूएसए फुल कॉन्फिडेंस में आ रही है, अच्छी क्रिकेट खेल रही है, पिछले जिसने जो किया वो किया, इस टूर्नामेंट में कौन कितने टेम्परामेंट से, कितने फॉर्म से और कितने ज़्यादा अच्छे कॉम्बिनेशन से उतर रहा है वो देखा जाएगा। जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, ऑन पेपर अच्छी टीम नहीं जीतेगी। कनाडा ने भी आज 194 बना दिए, अमेरिका ने 194 चेस कर लिए, आयरलैंड से हम ऑलरेडी हारे हुए, इंडिया से तो आपको पता है कांटे का मैच होना है। तो अब समझ ये नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान से मुझे पसीने क्यों आ रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि अब होगा क्या। अल्लाह खैर करे, पाकिस्तान का हमेशा से ये अलमिया रहा है कि पाकिस्तान हर टीम से उसके लेवल पे जा के खेलती है। और अब एक बात ये भी है कि देखें, पाकिस्तान अगर अपनी पोटेंशियल से खेलेगा ना वर्ल्ड कप, अगर यूएसए से 6 तारीख को पहला मैच है, अगर अपनी पोटेंशियल से खेलेगा, जो टीम है जितना टैलेंट है, तो पाकिस्तान टॉप 4 में गारंटी जा रहा है, इतना टैलेंट किसी टीम में नहीं है, पाकिस्तान टॉप 4 में गारंटी जाएगा अगर अपने पोटेंशियल से खेले। वही अपने चुतियापों से खेले, कोलैप्स कर जाए और छोटी टीम से भी प्रेशर में आ जाए तो फिर अल्लाह मालिक है, क्योंकि ये T20 है, गलती की गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान इंग्लैंड से आ रहा, आयरलैंड से आ रहा, खैर हो गए, न्यूजीलैंड से आ रहा, खैर हो गई, वर्ल्ड कप में अब ये किस मूड से जाता है, ये कौन सी टीम खेलती है, ये हमें भी नहीं पता। देखिए इनके दो स्टाइल हैं, एक तो ये खेलते हैं कि वाकई पाकिस्तानी टीम की तरह, एक के प्रेशर में। अब देखते हैं पाकिस्तान किस लेवल पे जाके खेलता है और क्या होता है। इंडिया सामने, इंडिया ने बांग्लादेश को वार्म अप में हराया हुआ है, कॉम्बिनेशन इनका बन रहा है, लेकिन मसले इंडिया के साथ भी हैं,
बड़े मसले हैं, कैप्टनसी के मसले, टीम जेल नहीं है, बड़े टाइम से ये टीम खेली भी नहीं है, वर्ल्ड कप में ये अच्छा भी नहीं करते हैं। देखा जाएगा पाकिस्तान इंडिया का पहला जो मैच होगा ना, वो टोन सेट, दोनों टीमों की टोन वहीं से सेट होगी, जो वर्ल्ड कप में बहुत आगे जाएगी जो टीम जीतेगी। और कल का मैच जो है वो पहला मैच 5:30 बजे शुरू होगा, छोटा सा मैच है, ओमान वर्सेस नामीबिया आई थिंक। दूसरा मैच श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका को मैं इस वर्ल्ड कप में बिल्कुल भी रेट नहीं कर रहा हूँ, हालांकि टीम बहुत अच्छी है, लेकिन ये आउट ऑफ फॉर्म है, सारे प्लेयर ना इनके बॉलर फॉर्म में, ना ये ना बैट्समैन, और दूसरी बात ये है कि कंडीशन इन्हें सपोर्ट नहीं कर रही, तो और ये फास्ट के प्लेयर हैं आप देखो। लेकिन फिर भी पहला मैच हर टीम का मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, वहीं से टून सेट होगी। तो वर्ल्ड कप अब शुरू हो चुका है, और दो तीन चीज़ें आपको बता दूं। टाइमिंग जो है वो पाकिस्तान इंडिया में व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ सुबह मैच करवाए जाएंगे ताकि यहाँ शाम को आएँ। तो पाकिस्तान के मैच तकरीबन 7:30 बजे ही होंगे, जितने भी हैं 7:30, 8:30, 6:30 इसी तरह, और ताकि इंडिया पाकिस्तान में व्यूअरशिप देखी जा सके। वहाँ पर सुबह सुबह मैचेस होंगे, और इंडिया ने हमेशा से डोमिनेट किया आईसीसी पर, तो अभी भी यही हो रहा है। इंडिया पाकिस्तान का जो पहला मैच है यूएस से वो न्यूयॉर्क में नहीं हो रहा, और वो दूसरे ग्राउंड में होगा, यूएसए में ही होगा लेकिन दूसरे ग्राउंड में। और इंडिया का जो है वो वार्म अप मैच भी न्यूयॉर्क में था, इंडिया का जो पहला मैच है वो भी न्यूयॉर्क में होगा, और इंडिया का पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो मैच है वो भी न्यूयॉर्क में होगा। तो पाकिस्तान इंडिया से जब खेलेगा, अपना पहला मैच खेलेगा न्यूयॉर्क में, और इंडिया ऑलरेडी 2-3 मैच खेल चुका होगा। तो ये डोमिनेंस है इंडियन बोर्ड की, और इंडिया को हमेशा से कम सफ़र कराया जाता है, इंडिया को हमेशा से उन्हीं ग्राउंड में खिलाया जाता है जिनसे हम आएंगी होती है, लेकिन इस तरह इंडिया जीत नहीं सकता, जीतना खेल के ही पड़ेगा। तो बड़ा मज़ा आने वाला है, इंडियंस की बड़ी बड़ी बातें अभी से शुरू हो गई हैं, हम तो अपनी टीम के हिसाब से चलते हैं, खेलते हैं, बात करते हैं, आपकी टीम देखते हैं कितना पानी में आप इतनी बातें कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह देखेंगे क्या होगा। बाकी कल मुझे ऐसा लगता है कि कल का मैच श्रीलंका जीत रहा है, प्रिडिक्शन मेरी ये है कि कल का मैच श्रीलंका जीत रहा है, साउथ अफ्रीका कल का मैच हार रहा है। तो मिलते हैं कल वाले मैचेस के रिव्यूज़ के साथ आपके, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी दबा दें, पूरे वर्ल्ड कप की अपडेट आपको मिलेगी इंशाल्लाह, और बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी वीडियोस, बड़े बड़े अच्छे अच्छे प्रीमियर, बड़े बड़े अच्छे अच्छे इवेंट मिलेंगे इंशाल्लाह। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी दबा दें, इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।